हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जीहून को देखते हैं। वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो वापस आ गई थी। वहीं वो उस मोबाइल को देख रही होती है जो अभी चार्ज हो रहा था। उसके बाद वो योंगमिन के पास जाती है और उसे थैंक यू कहती है, तुमने मेरी जान बचाई। उसके बाद हम इन दोनों को टैक्सी में देखते हैं जहाँ वो जा रहे होते हैं। वहीं जीहून योंगमिन को कहती है, जब मैं यहाँ से गायब हो गई थी तब मैं एक जगह पर पहुँच गई थी जहाँ बहुत अंधेरा था। वहीं वहाँ एक लड़की एक बच्चे के साथ आई थी, वहाँ मैं बहुत डर गई थी। तभी उन्हें एक कस्टमर मिलता है। जब वो कस्टमर टैक्सी में बैठता है तब उसकी तबीयत खराब हो जाती है जिससे वो टैक्सी से उतर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम तायू को देखते हैं। वो जीहून के डैड से बात कर रहा होता है। यहाँ जीहून के डैड उनके शिफ होते हैं। वहीं तायू उनसे कहता है, मुझे लगता है जीहून और जिनशुक का केस एक दूसरे से कनेक्ट है। तभी वहाँ शमशुक आता है और वो उसे पूछता है, तुम किससे बात कर रही थी। तब तायू उसे कुछ नहीं बताता है और वो शमशुक से पूछता है, क्या आपको लगता है उस बाइक वाले ने ही जीहून को मारा है। तब शमशुक तायू को एक फ़ोटो देकर कहता है, हमें इस जगह पर जाना होगा। वहीं इस फोटो में जीहून होती है और वो एक रेस्टोरेंट में होती है और उसके सामने एक नोटबुक भी होता है। उसके बाद हम देखते हैं शमशुक उस रेस्टोरेंट में जाता है और वो वहाँ की एक लड़की से पूछता है, इस फोटो में जो लड़की है उसके सामने जो नोटबुक है वो मुझे दे दो। तब वो लड़की कहती है, आपसे पहले ही एक दूसरा डिटेक्टिव आकर उस नोटबुक को ले गया है। उसके बाद वो नीचे आता है जहाँ तायू होता है और वो शमशुक से पूछता है, क्या आपको नोटबुक मिला। तब वो कहता है, मुझे पता है वो नोटबुक किसके पास है। उसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो दोनों जीहून के घर जाते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हम जीहून के डैड को देखते हैं। वो नोटबुक उनके पास ही होता है। वहीं शमशुक और तायू आते हैं और शमशुक जीहून के डैड से पूछते हैं, आपने अपनी बेटी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया। तब जीहून के डैड कहते हैं, तुम्हारी भी तो एक बेटी है और उसे किसी ने मार दिया तो तुम क्या करोगे। तब शमशुक कुछ नहीं बोल पाता है। उसके बाद शमशुक उन्हें उस फोटो को दिखाकर उनसे पूछता है, ये नोटबुक कहाँ है। और वो कहता है, अगर आप मुझे ये नोटबुक दे देंगे तो आपकी और आपकी बेटी के लिए ही अच्छा होगा। तब जीहून के डैड कहते हैं, मैं तुम्हारे केस के बीच में नहीं आ रहा हूँ, एक मिनट रुको। वहीं दूसरी तरफ हम योंगमिन और जीहून को देखते हैं। वो दोनों टैक्सी में होते हैं। वहीं जीहून योंगमिन से पूछती है, तुमने मुझे वापस क्यों लाया। तब योंगमिन कहता है, क्योंकि तुम अकेली थी और वैसे भी मेरे अलावा तुम्हें और कोई नहीं देख भी सकता है और तुम्हें तुम्हारा नाम भी पता नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। उसके बाद जीहून को एक पैसेंजर दिखाई देती है जो रास्ते के साइड में खड़ी थी। तब वो योंगमिन से कहती है, ये पैसेंजर बहुत डरावनी है, टैक्सी मत रोकना। तब योंगमिन टैक्सी नहीं रोकता है। उसके बाद टैक्सी आगे जाती है। तब जीहून को वो पैसेंजर फिर से दिखाई देती है। तब जीहून डर जाती है। तब योंगमिन कहता है, रुको मैं उसे पूछता हूँ। वहीं जीहून छुप जाती है और योंगमिन टैक्सी रोककर उस लड़की से पूछता है, तुम्हें कहाँ जाना है। तब वो लड़की टैक्सी में बैठ जाती है और वो उसे कहाँ जाना है बताती है। वहीं ये लड़की भी भूत होती है। उसके बाद वो लड़की योंगमिन से पूछती है, क्या तुमने जायरो भूत के बारे में सुना है। तब योंगमिन कहता है, ये एक पुरानी कहानी है और वैसे भी तुम जायरो भूत नहीं हो। तब वो लड़की कहती है, क्या तुम उस कहानी पर भरोसा करते हो। उसके बाद वो अचानक से योंगमिन के पास आकर उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन योंगमिन नहीं डरता है और वो उसे अपनी सीट में बैठने कहता है और वो कहता है, तुम मुझे गाड़ी चलाने में डिस्टर्ब कर रही हो। तब वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। उसके बाद वो लोग लोकेशन में पहुंच जाते हैं। तब वो लड़की वहां से जाने लगती है। तब योंगमिन कहता है, टैक्सी का रेंट दो। तब वो लड़की कहती है, क्या भूत भी पैसे देते हैं। तब योंगमिन कहता है, भूत भी पैसे देती है और ये टैक्सी भूतों के लिए ही है। तब वो लड़की कहती है, मैं
तो भूत हो तुम मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे। और वो जाने लगती है, तब जीहून उसे पकड़ लेती है। उसके बाद वो तीनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और जीहून इस लड़की से कहती है, तुम्हें रेंट पे करना होगा। तब वो लड़की कहती है, तुम्हारी टैक्सी में इतने पैसेंजर भी नहीं हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ बहुत सारे भूत हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो अभी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरे भूत से मिला देती हूँ, वो तुम्हें उस जगह पर लेकर जाएगी। और वो वहाँ से गायब हो जाती है और तभी एक दूसरी भूत लड़की वहाँ आ जाती है और ये लड़की उन दोनों को उस जगह पर लेकर जाती है। वहीं हम क्यूजिन को देखते हैं, वो एक फ्यूनल में गया होता है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो पैसा गिन रहा होता है और उसके सामने बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ थी और वो अपने आप से कहता है, वो आदमी मुझसे हमेशा कब्रिस्तान की फ़ोटो खींचने क्यों कहता है। वहीं इस आदमी ने कई कब्रिस्तान की फ़ोटो खींची होती है। यहाँ उसने योंगमिन की भी फ़ोटो खींची हुई होती है जब योंगमिन अपनी मॉम के बर्थडे में वहाँ गया था। वहीं दूसरी तरफ हम शांगशुक को देखते हैं, उसे जीहून की नोटबुक मिल जाती है और वो कार में बैठकर उसे देख रहा होता है। वहीं शांगशुक उस नोटबुक को पढ़ रहा था जहाँ लिखा होता है कि मैं आज फिर से अपनी फ्रेंड के हस्बैंड से मिली और डोयोंग ने मुझे कहा था कि उसे कोई मॉनिटर कर रहा होता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ जीहून एक आदमी को मार रही होती है। वहीं वहाँ कुछ कब्रिस्तान की फ़ोटो भी पड़ी होती है। साथ ही वो आदमी कहता है, मैंने कब्रिस्तान की फ़ोटोज़ ली थी, वो भी एक बाइक चलाने वाले के कहने पर लिया था। ये सब जीहून के नोटबुक में लिखा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम योंगमिन को देखते हैं, वो सोया हुआ होता है। तभी उसके पास जीहून आती है और वो उसे उठा कर कहती है, तुम जल्दी से सोकर उठो, आज हमें कहीं जाना है ना, तुम्हें पता है ना। उसके बाद वो दोनों टैक्सी में उस लोकेशन में जाते हैं जहाँ बहुत सारे भूत आते हैं। वहीं जब वो दोनों उस लोकेशन में पहुँचते हैं, वो लोग देखते हैं वहाँ बहुत सारे भूत थे। ये देखकर जीहून और योंगमिन बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो दोनों टैक्सी से उतर के उन भूतों के पास जाते हैं। वहीं जीहून उनसे पूछती है, तुम्हें कहाँ जाना है, लेकिन इन सभी को अलग अलग जगह जाना होता है। वहीं ये लोग पास की जगह का नाम नहीं बताते हैं, सभी दूर दूर के लोकेशन का नाम बताते हैं, कंट्री का नाम बताते हैं। तभी उनके पास एक लड़का आता है, इस लड़के का नाम किम सिन ह्यू होता है और वो जीहून के पास जाता है। तब जीहून उससे पूछती है, तुम्हें कहाँ पर जाना है। तब लड़का जीहून से पूछता है, तुम जीहून हो ना। तब जीहून पूछती है, क्या तुम मुझे जानती हो। तब शिनहू कहता है, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरी फ्रेंड हो, हम दोनों ने एक साथ ही पढ़ाई की थी। ये सुनकर जीहून बहुत खुश होती है और वो सिन्हू से पूछती है, क्या तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में जानते हो। तब सिन्हू मना करता है और वो कहता है, लेकिन मेरे पास कुछ फोटोज़ है जिसमें तुम भी हो। उसके बाद सिन्हू उन दोनों को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ उसने फोटोज़ रखा हुआ होता है। वहीं योंगमिन उन फोटोज़ को निकालता है जहाँ जीहून होती है, साथ में एक और लड़की होती है जिसे जीहून ने अंधेरी जगह पर देखा था। तब जीहून सिन्हू से उस लड़की के बारे में पूछती है, तो सिन्हू कहता है, ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता है। वहीं सिन्हू जीहून से योंगमिन के बारे में पूछता है, ये कौन है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो जीहून कहती है, नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। वहीं सिन्हू योंगमिन के साथ अजीब बिहेव कर रहा था। वो योंगमिन से कहता है, तुम यहाँ झाड़ू लगा दो, हमारे लिए चेयर लाओ। तब योंगमिन कहता है, मैं ये क्यों करूँ। तब सिन्हू उसे पैसा देता है जिससे वो काम करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योंगमिन और जीहून टैक्सी में जा रहे होते हैं। तब जीहून कहती है, मुझे मेरा नाम तो पता चल गया है लेकिन मेरे पेरेंट्स के बारे में नहीं पता चला है। तब योंगमिन कहता है, चलो हम तुम्हारे स्कूल चलते हैं। उसके बाद वो दोनों स्कूल जाते हैं। वहीं स्कूल में जीहून की फ़ोटोज़ लगी हुई थी क्योंकि वो कैंडू की सिंपियन थी। उसके बाद हम योंगमिन को उसके रूम में देखते हैं जहाँ वो इंटरनेट में जीहून का नाम सर्च कर रहा होता है लेकिन उसे कुछ नहीं पता चलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योंगमिन चांगडम के पास जाता है
और वो उसे भूतों के बारे में पूछता है, क्या भूत कपड़े चेंज कर सकते हैं अपने। वहीं चांगडम ने यंगमिन से एक पेनड्राइव मंगाया होता है। तब चांगडम कहता है, पहले तुम मुझे पेनड्राइव दो, तब मैं भूतों के बारे में बताऊंगा। तब यंगमिन उसे पेनड्राइव दे देता है। उसके बाद चांगडम उसे बताता है कि भूत अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, और साथ में वो उसे एक मिरर भी देता है जिससे इंसान का रिफ्लेक्शन नहीं होता है लेकिन भूतों का होता है। उसके बाद यंगमिन घर आकर वो मिरर जीहून को देता है। वहीं जीहून अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है। वहीं यंगमिन उसे बताता है कि तुम अपने कपड़े भी चेंज कर सकती हो। वहीं यंगमिन ने उसके लिए अपनी दादी का ड्रेस लेकर आया था। तब जीहून उन कपड़े को पहनने के लिए मना करती है लेकिन यंगमिन उसे पहनने कहता है। उसके बाद जीहून कपड़े पहन लेती है। उसके बाद हम देखते हैं जीहून, यंगमिन और शिनहू जीहून के लिए नए कपड़े खरीदने आते हैं। वहीं शिनहू भी अपने लिए कपड़े खरीदता है। वहीं यंगमिन के पैसे खर्च हो रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं यंगमिन ने चांगडम की हेल्प से शिनहू और जीहून के लिए एक छोटा सा थिएटर का इंतज़ाम किया था उनकी डेट के लिए, जहाँ वो दोनों मूवी देखते हैं। वहीं यंगमिन वहाँ पर जीहून का मोबाइल रखकर वहाँ से बाहर आकर बैठ जाता है। वहीं जीहून उसे ही देख रही थी। उसके बाद हम हॉस्पिटल में एक दूसरे डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम किम योंगू होता है। वो एक पेशेंट को चेक कर रहा था और उसने उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी चेक कर लिया था जो नॉर्मल था। तभी वहाँ क्यूजिन आता है और वो उसे पूछता है, क्या तुमने ब्लड प्रेशर चेक किया। तब वो हाँ कहता है लेकिन तभी पेशेंट कहता है, मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। तब क्यूजिन उसे फिर से ब्लड प्रेशर चेक करने कहता है लेकिन तब ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता है। उसके बाद क्यूजिन यंगमिन को रुलाकर कहता है, ये गलती तुम कैसे कर सकते हो, अगर उस पेशेंट को कुछ हो जाता तो। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यंगमिन एक रूम में जाकर वहाँ से मेडिसिन चोरी कर लेता है जो क्यूजिन देख लेता है। उसके बाद हम यंगमिन को देखते हैं, वो घर में होता है। वहीं उसने जीहून और शिनहू के लिए भी डिनर लगाया होता है। तभी वहाँ बुंजा आती है। उसके बाद वो लोग खाना खा रहे होते हैं जहाँ शिनहू जीहून का तारीफ कर रहा होता है। ये देख कर यंगमिन को अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद जब यंगमिन शिनहू को छूने जा रहा था तो शिनहू उसे बताता है कि वो जीहून को लाइक करता है और मैं उसे कपल रिंग भी पहना दूंगा। ये सुनकर यंगमिन को अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद वो घर वापस आता है। वहीं वो टैक्सी में ही बैठा होता है। तब जीहून वहाँ आती है और वो यंगमिन से पूछती है, क्या तुम घर के अंदर नहीं जाओगे। तब वो जीहून से शिनहू के बारे में पूछता है। तब जीहून कहती है, वो मुझे अच्छा लगता है, वो कितना लंबा है, लेकिन मुझे डेट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मैं तो ये बस तुम्हारी टैक्सी के लिए कर रही हूँ। उसके बाद यंगमिन उन दोनों के लिए कपल रिंग खरीदता है और वो इमेजिन करता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यंगमिन जीहून को शिनहू के पास ले जा रहा होता है लेकिन आधे रास्ते में ही वो टैक्सी को मोड़ लेता है। तब जीहून कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, अगर हम उसके पास नहीं गए तो हमारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, तुम ऐसा मत करो, तुम बर्बाद हो जाओगी। तब यंगमिन गाड़ी की स्पीड ज़्यादा करता है और वो मन में कहता है, मैं पहले ही बर्बाद हो गया हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड होता है। और आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।